सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल स्वेता क्रिएशंस को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज मैं तो अभी शॉप से आई हूँ, घर पूरा बिखरा बिखरा पड़ा है। कुछ डिनर बनाऊंगी, डिनर की तैयारियां कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। आज मैं बनाऊंगी लेमन राइस एंड मशरूम मिक्स वेजिटेबल करी और दाल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाती हूँ। चावल में थोड़े से चना डालकर पहले चावल को गैस पर रखकर ऑन कर दिया है। उसमें थोड़ा डालूंगी नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर अच्छे से मिला लेंगे, और उसमें उबाल आने पर इसे हम धीमी आंच पर तकरीबन चावल 70-80% तक पकने तक इसे रखेंगे और फिर इससे स्ट्रेन आउट कर देंगे। उसके बाद की तैयारियां कर लेते हैं। मैंने ग्रीन चिलीज को काट लिया है और एक बाउल में थोड़ा सा नमक डालकर नींबू के रस को निकाल लिया है। तड़का लगाने के लिए थोड़ी सी उड़द दाल, सरसों, जीरा, हींग, एक से दो लाल मिर्च लिया है, और इसमें थोड़ी सी तिल भी तड़के में जाएगा। पककर पक जाएगा, उसके बाद चावल को एक बड़े से बेसन में डालकर ग्रीन चिलीज और करी लीव्स को उसमें अंदर रख देंगे और नींबू के जूस को डाल लेंगे। फिर तड़का लगाकर बस मिला लेना है। हो गया हमारा लेमन राइस रेडी। और अभी मिक्स करी के लिए प्रिपरेशन करती हूँ मैं। अब करी के लिए मैं मसाले निकाल देती हूँ। थोड़ा सा धनिया, जीरा, खसखस, लाल मिर्च पाउडर, एक इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता। अब इस सबको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल डालकर। मैंने चार टमाटर, एक लहसुन और दो ऑनियन लिए। अब इन सबको मिलाकर मैं अच्छे से पीस लूँगी और इसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल के पीस लूँगी। मैंने ये सारी सब्जियाँ निकाली है, इसमें मैं ये सबको बारीकी से छोटे छोटे पीसेस में काट कर मशरूम ऐड करके करी बनाऊँगी। मेरा किचन कैसा सब बिखरा पड़ा है देखिए। मैंने करी में ऑयल डालकर सरसों उड़द दाल का तड़का लगा लिए। सब्जी डालूंगी, फिर मसाला डालूंगी और नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक विसिल दे दूंगी। हो जाएगा मेरा करी तैयार। दाल बनाना बाकी है और लेमन राइस को तड़का लगाना है। मैं आपसे बात करूंगी डिनर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं रात को बहुत थक गई थी इसीलिए सो गई, इसीलिए मैं आज का ये ब्लॉग इसी में कंटिन्यू करूँगी। मैं तैयार हो रही हूँ शॉप में जाने के लिए, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। होगी मैं तैयार, सिंदूर लगाना बाकी है।
अभी मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए। अभी फुल ऑन ड्यूटी टाइम। मैंने सुबह सारे कपड़े साफ करके सुखा सुखा रखे थे। धूप जाने से पहले सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे। मैं हूँ ऑन लीवी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7 से 7:30 के बीच और मैं अपना थोड़ा वीडियो वगैरह एडिटिंग कर रही थी। थोड़ी देर में जब खाली हो, मतलब थोड़ा भी जब फ्री मिलता है मुझे शॉप में, तो मैं अपनी वीडियो वगैरह थोड़ा थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने पी ली है चाय और उसके साथ लिया है 50-50 का स्वीट एंड सॉल्टी का बिस्किट। और आज का मेरा डे पूरी तरह से एक नॉर्मल ही था, कुछ ऐसा खास नहीं है। कल मैंने आज लंच पे भी, कल रात को मैंने जो करी बनाया था वही थोड़ा बच गया था, बस उसी से हमने उन्होंने रोटी और मैंने चावल के साथ बस अपना लंच ख़त्म किया। और बस इतना ही है, कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, ये ब्लॉग को। और मेरा ब्लॉग आप देखिए, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट भी कीजिए। और मैंने कल एक पोस्ट किया था, एक मोटिवेशनल वीडियो, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो कभी खुद पर आप रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने अपने लाइफ के 2 से 5 मिनट क्यों वेस्ट कर दिया। तो ज़रूर देखिए।